रोटेशन ड्रैग एक ऐसा यूनिक ड्रैग प्रोसेस जिसके आते ही फ्री फायर कम्युनिटी में वन टैप का क्रेज ही बदल जाता है और फ्री फायर कम्युनिटी में वन शॉट प्लेयर को एक नया फॉर्म मिल जाता है वन शॉट मारने का। और बात यहाँ तक ही सीमित नहीं, अगर कोई बंदा अच्छे से रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करना सीख जाता है ना, तो उसको वन टैप कस्टम में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि रोटेशन ड्रैग आप लोग कैसे अपने मोबाइल में परफॉर्म कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोग 5 मिनट समय देते हैं इस वीडियो में, देन मैं श्योर हूँ कि आप लोग रोटेशन ड्रैग ना बहुत अच्छे से मारना सीख जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रो प्लेयर्स को भी हराएंगे। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड गाइस, थैंक्स टू राइस्टा जिन्होंने इंडिया में इतना अच्छा ड्रैग प्रोसेस लाया। साथ में बिग शाउट आउट ऑफ दोस पीपल हु रेकमेंड दिस टॉपिक। और गाइस, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक भी आया है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा रिव्यू करने के बाद, ठीक है। और अगर आपके मन में बहुत अच्छा टॉपिक है इससे भी अच्छा, देन प्लीज कमेंट करना, उसका पिकअप नेक्स्ट वीडियो में 100% होगा। सो यस, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, प्रोसेस बताने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि क्यों रोटेशन ड्रैग इतना पॉपुलर है और रोटेशन ड्रैग का बेनिफिट क्या है, मतलब हम लोग क्यों मार रहे रोटेशन ड्रैग, ठीक है। सो देखो, वैसे रोटेशन ड्रैग का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बट हम लोग पहले अभी 2 बेनिफिट्स की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमें चाहिए। सो उनमें से पहला बेनिफिट है फास्ट मूव। मतलब देखो, अगर आप लोग मेरे ऊपर क्लिप जो चल रहा है उसका अगर आप लोग ठीक से नोटिस करते हैं, तो उनमें एक चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो है फास्ट मूव। मतलब देखो, जैसे ही मैं किसी बंदे को वन शॉट मारता हूँ, मेरा कैरेक्टर इंस्टेंटली या तो लेफ्ट या फिर राइट मूव करता है, वो भी काफ़ी फास्ट, ठीक है। और इससे देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ सकते हो। और वाइट इफेक्ट अगर आप लोग सारे वीडियोस को देखोगे तो सही में बोल रहे हैं उसका कितना अच्छा मूवमेंट दिखता है ना, बहुत ही फास्ट। और ये जस्ट बिकॉज पॉसिबल होता है रोटेशन ट्रैक की वजह से ही। यस, ये तो हो गया पहला बेनिफिट जो कि हम लोग रोटेशन ट्रैक के बिना नहीं कर सकते हैं। सही, बात करते हैं दूसरा बेनिफिट की। तो जो दूसरा बेनिफिट है वो है शॉर्ट रेंज में वन शॉट। देखो, विदाउट रोटेशन ड्रैग आप लोग कभी भी क्लोज रेंज में वन शॉट नहीं ले सकते हैं। अब तुम लोगों में से कुछ बंदे तो जरूर बोलेंगे, यार मुझे रोटेशन ड्रैग तो बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं वन शॉट मार लेता हूँ शॉर्ट रेंज में। सो गाइस, मैं ऐसे शॉर्ट रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपका के, मतलब एकदम चिपका के कैसे आप शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है रोटेशन ड्रैग की वजह से ही। विदाउट रोटेशन ड्रैग आप स्ट्रेट ड्रैग करके कभी भी ऐसा वन शॉट नहीं मार सकते हैं। सो आई होप गाइस, आपको क्लियर हो गया कि रोटेशन ड्रैग के बेनिफिट्स क्या हैं और हम लोग क्यों मारे हैं इसको। अभी देख लेते हैं मेन जो ट्रिक है, यानी कि हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं रोटेशन ड्रैग को अपने मोबाइल में। सो गाइस, रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करने के लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फायर बटन। ऑफकोर्स फायर बटन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और काफ़ी ज़्यादा बंदे क्या गलती करता है, अपने फायर बटन को ही गलत जगह पर रखता है। सो अगर आपका फायर बटन गलत पोजीशन पर है तो उसको थोड़ा ठीक कर लो, क्योंकि देखो रोटेशन ड्रैग को मारने के लिए इधर स्पेस भी तो चाहिए ना। तो यस, थोड़ा सा ठीक कर लेना अगर आपका गलत पोजीशन पर है तो। सो अब आता है हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे। सो जस्ट एग्जांपल, सामने एनिमी है मेरा, ठीक है, अभी मुझे इसको वन शॉट मारना है, मतलब रोटेशन ड्रैग के साथ। सो मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक लेना है सुपर जंप, ठीक है। सुपर जंप, आई होप आपको सुपर जंप के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस सीरीज में सुपर जंप का भी वीडियो आएगा। तो मैंने सुपर जंप लिया एक, ठीक है। अब मैंने एम को, अपने एम को मैंने करा वाइट, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट गाइज, ऑलवेज आपका एम वाइट होना चाहिए वन शॉट के लिए। अगर आपका एम रेड है देन आप कभी भी रोटेशन ड्रैग नहीं मार सकते हैं। सो हो गया क्लियर, आपका एम भी वाइट है। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज़ नोटिस करना है आपको कि एनिमी किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये ना सबसे बड़ा चीज़ है, और सारे बंदे इसी जगह पे थोड़ा गलती कर देता है। देखो, इधर एनिमी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मतलब मुझे रोटेशन इस डायरेक्शन से लेना है, ठीक है, उसके ऑपोजिट। तो मुझे देखो फायर बटन को यहाँ पर पकड़ना है और ऐसे घुमाते हुए ले जाना है। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरा एम पूरा घूम के हेड पर चिपक जाएगा, ठीक है। सो देखो, जैसे ही मैंने इस चीज़ को फास्टली किया, इजिली हेडशॉट पड़ गया, ठीक है। और रिमेंबर दैट गाइज, इसको थोड़ा ना फास्ट करना है आपको, स्लो अगर रोटेशन ड्रैग मारोगे ना नहीं होता है, तो थोड़ा आपको फास्ट करना है इसको। और हर एक क्लिप को, मेरे जितने भी क्लिप को देखोगे, जस्ट आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इधर मेरे फायर बटन को भी देखो, मैं कैसे घुमा कर मार रहा हूँ, ठीक है, बस जिस डायरेक्शन में एनिमी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊँ, हेडशॉट लगना ही लगना है। और थोड़ा काम कर लेना, अपना सेंसिटिविटी बढ़ा लेना है, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। सो यस, आई होप क्लियर हो चुका है कि रोटेशन ड्रैग कैसे मारना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो यस, तुम लोग भी जाओ और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो सबसे पहले, क्योंकि पहले कस्टम ये चीज़ करोगे ना जिंदगी में नहीं होने वाला। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसको भी तो पता चलना चाहिए रोटेशन ड्रैग क्या होता है। और गाइस, अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं विथ हैंड कैम, ठीक है, मतलब मैं हैंड कैम करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे फिंगर को रोटेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लाइक कर, हाँ कमेंट में जरूर बोल देना हमें चाहिए। और साथ ही में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मैं पार्ट 2 लाऊंगा तो आपके पास नहीं जाएगा ना, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना तो जरूर चला जाएगा। सो यस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।